सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत से निकलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कोई भी समस्या भारत में अब नहीं है, कोई भी समस्या। सबसे बड़ा मुद्दा भैया आजकल है ईवीएम, सबसे बड़ा मुद्दा भैया आजकल है ईवीएम। अकड़ बकड़ बम्बे वो 90 पूरे 100, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हमारे जो आसपास जो पूरी वो सब है ना, क्या नाम है वो जो गैया वैया चढ़ते हैं, सबका पांच हुआ था, सोच रहे ये देखो क्यों ना गधा पाने की बात। अब कहियो ईवीएम में गलती है, अब तुम उका वोट दे हो, चारों लोग का और कहियो की वोट दे, और ये वोट करें इसके चक्कर में फिर बाद में बताइयो अरे हम थोड़ी किया रहा है, हम तो उनका दिया रहा, ईवीएम में गलत निकल हुआ तो वोट दो चच्ची का चला जाए, चच्चा का क्या दिक्कत है। चच्चा का वोट दे कहा है तो वोट दो चच्ची का चला जाए, चच्चा का। भैया एक काम करते हो, हमारे जो प्रत्याशी है ना आओ चलो एक बार उनसे मिल लिया जाए। हाँ भैया चलो, हाँ तो सही कहा भैया। हाँ देखो भैया, तो अब क्या कह रहे हैं, इलेक्शन का माहौल है समझे कि नहीं, और तुम्हारे ही भैया को ही जीतना है। एड़ी से लेकर सर का जोर लगा दो, सुनो जब वहाँ पे वो क्या कहते हैं ईवीएम में जब बटन दबा रहे होंगे ना सब, ससुर अगली बगल रहना, जहाँ ससुर दूसरा पार्टी का बटन दबीस वहीं गर्दन पकड़ के साले को वहीं दाब देना। देखो हम भैया बहुत पैसा खर्च कर दिया, ठीक अब तुम लोग का काम का है कि जो है वहाँ पे खड़े रहो, आदमी पूछो किका वोट दे जा रहे हो, कहीं इनका, ठीक बाहर निकल गया पूछो किका वोट दे जा रहे हो, अगर कोनो घपला की जाते समय अलग आते में दूसरे का नाम बताई। अरे क्या बात जिंदाबाद, लल्लन भैया जिंदाबाद, लगता है ससुर ने ईवीएम सेट कहीं बता रहे हमारे भैया हम हार गए।